पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या है पेरिस क्लब। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक पेरिस क्लब के बकाया कर्ज पर श्रीलंका को 6 साल की मोहलत मिलने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं पेरिस क्लब क्या है। यह ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में विकासशील और उभरते देशों की ऋण समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी। पृष्ठभूमि, वर्ष 1956 में अर्जेंटीना ने एक बड़ी ऋण धोखाधड़ी के मामले पर वैश्विक समुदाय से सहायता की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप 1956 में फ्रांस द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे पेरिस क्लब कहा गया। इस क्लब का लक्ष्य उन देशों के लिए स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। सदस्य, इसके 22 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य आदि शामिल हैं। पेरिस क्लब के सदस्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के सदस्य भी हैं। भारत और चीन इसके सदस्य नहीं हैं। हालांकि भारत एक तदर्थ भागीदार के रूप में कार्य करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पेरिस क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह ऋणदाता देशों का एक औपचारिक समूह है। दो, भारत और चीन इसके सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।